So let's start this chapter number one and its solution. Anna, we have done this chapter. Now solution is remain to do here. Question answer of this chapter. Okay. So children, this is your solution. Let's do this solution one by one. Question number one, draw up a list of different festivals celebrated in your locality. Which of these celebration are shared by members of different religions and religious communities? You know? So we have to make a list. So your list is Independence Day festivals shared by different regional and religious communities, है ना? So Independence Day, Republic Day, and Gandhi Jayanti. This is the list of celebration of festivals that are shared by different regional and religious communities. अब इंडिपेंडेंस डे हो मुस्लिम भी मनाते हैं, हिंदू भी मनाते हैं, मराठी, पंजाबी सारे लोग मनाते हैं और रीजन का मतलब होता है अलग अलग प्रदेशों में मनाया जाता है. दैट मीन्स इंडिपेंडेंस डे है वो पंजाब में भी मनाया जाता है, गुजरात में भी मनाया जाता है. तो दीज आर द कॉमन सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड इन अक्रॉस द इंडिया. पूरे इंडिया में सारे लोग ये सब त्योहारों को मनाते हैं. तो दिस इज योर आंसर. दीज आर आर नेशनल फेस्टिवल्स, सो एवरी इंडियन सेलिब्रेट दैम रिस्पेक्टिव ऑफ रीजन एंड रिलीजियंस. रीजन और रिलीजियंस अलग अलग हो फिर भी लोग ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. दैट्स व्हाई ऑल सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल्स. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इंडिया हैज हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी. हेरिटेज मतलब हमें एक वारसा मिला है किसका? विविधता का, है ना? हमारे इंडिया में बहुत सारी विविधता है हर्षवर्धन, है ना? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी? So yes, living in India with its rich heritage of diversity adds to our life in following ways. हमारी लाइफ में वो कैसे कैसे हेरिटेज को एड करता है, कैसे रिचनेस लाता है. तो वी नो डिफरेंट पीपल, देयर कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बैकग्राउंड, दिस डाइवर्स थिंग्स एड टू आर लाइफ. मतलब ये हमारी लाइफ में विविधता लाता है. कैसे? कि हम अलग अलग लोगों को पहचानते हैं, उनके कल्चर को जानते हैं. एक साथ रहने में फायदा है ना हर्षवर्धन, है ना? इट इज एडवांटेज फॉर अस. सो वी कैन नो द डिफरेंट पीपल, वी कैन नो देयर लैंग्वेजेस ऑल्सो, वी कैन नो देयर कल्चर. सो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, है ना, एंड हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर लाइफ. हमारी लाइफ के लिए हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी, जो रिचनेस है हेरिटेज का, वो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाने के लिए. हम सबको पहचानते हैं, सब दुनिया को जान पाते हैं, अलग अलग धर्म के लोगों को भी जान सकते हैं. जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी डिसाइड आर वे ऑफ लाइफ, आर फूड, आर ऑक्यूपेशन एंड मैनी अदर थिंग्स. जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है ना, मतलब जियोग्राफिकल मतलब आपकी भौगोलिक डाइवर्सिटी. जैसे कि केरला में अगर आप रह रहे हो तो केरला का प्रदेश कैसा है, जियोग्राफिकल एरिया कैसा है? म्यूट योर सेल्फ.
Harshvardhan, mute yourself. If you want something to ask, then you unmute yourself. Otherwise, mute your speaker. जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? भौगोलिक विविधता, मतलब केरला के अंदर केरला आप रहने जाओ तो वहां का आपका ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा, आपको फिशिंग करना पड़ेगा, वहां पे ऑक्यूपेशन में एग्रीकल्चर ज्यादा रहता है ना, ये सब एग्रीकल्चर वहां पे ज्यादा चलते हैं। अगर आप लद्दाख में जाओ तो लद्दाख का ऑक्यूपेशन हमने देखा था कि लद्दाख इज डेजर्ट एरिया, लद्दाख जो है वो डेजर्ट एरिया, तो वहां पे पश्चिमा की जो शीप होते हैं उसकी वूल जो होती है वो ज्यादा बिकती है। तो दिस टाइप ऑफ बिजनेस वी कैन डू। अगर आप सिटी में रहते हो तो सिटी का जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी अलग होगा, तो सिटी में हमें जॉब करनी पड़ेगी, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते, मतलब हम खेती नहीं कर पाते है ना यहाँ पे। सो दिस वे जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑल्सो डिसाइडेड आर वे ऑफ लाइफ, हमें कैसे जीना है वो हमारा जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बताता है। अगर हम सिटी में रहते हैं तो हमें जॉब करनी है, अगर हम गांव में रहते हैं तो हमें फार्मिंग करनी है, अगर हम डेजर्ट एरिया में रहते हैं तो हमें कैमल्स की जो राइडिंग होती है वगैरह आपको ज्यादा देखने मिलेगा। तो दिस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी आर डिसाइड आर वे ऑफ लाइफ, आर फूड ऑल्सो। अगर आप डेजर्ट में रहते हो तो आप ज्यादातर डेजर्ट में होने वाले फूड्स खाओगे है ना, अगर आप केरला में रहते हो तो आप ज्यादातर सी फूड खाओगे क्योंकि वो वहां पे ज्यादा मिलता है। ओके आप विलेज में रहते हो तो विलेज में वेजिटेबल्स अच्छे से मिल सकते हैं, तो हम वेजिटेबल्स पे डिपेंड रहेंगे। तो आर फूड ऑल्सो डिपेंड ऑन जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। अंडरस्टूड हर्षवर्धन? हर्षवर्धन ओके यू आर नॉट देयर। वी रिलीज आर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है ना, हम हमारे कस्टम और ट्रेडिशंस को भी फॉलो कर सकते हैं विद द डाइवर्सिटी। Now, third question, do you think the term unity in diversity is an appropriate term to describe India? Unity in diversity, ye jo point hai wo kisne kiya tha? Jawaharlal Nehru ne. So, do you think that it is appropriate for describing India? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in this sentence quoted about from his book, like Discovery of India? So, Discovery of India, jab uski book bani thi, Jawaharlal Nehru ki, तो उसमें एक सेंटेंस पॉइंट हुआ था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता में भी एकता। तो इंडिया में बहुत सारी विविधता है फिर भी सब लोग एक है, तो आपको लगता है कि वो इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए ठीक है ये टर्म? यस, वी थिंक दैट द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया बिकॉज इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी। पहले तो इंडिया के पास बहुत सारी विविधता है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, अलग अलग लोग है, कल्चर है, बहुत सारा है, फिर भी सब लोग एक है। जब एक होने की बात आती है ना तो सब लोग एक हो जाते हैं। दैट्स वाई दिस टर्म इज वेरी अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब इंडिया। नाउ डाइवर्सिटीज देखते हैं, कौन कौन सी डाइवर्सिटीज है। डिस्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटीज आर देयर, डाइवर्सिटीज तो आपको पता है कि क्या क्या डाइवर्सिटीज है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज, फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, रिवर्स, लेक्स, ये सब जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी में आता है। ओके, देन कल्चरल डाइवर्सिटीज है, लाइक लैंग्वेज अलग है, रिलीजन अलग है, कम्युनिटीज अलग है। तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि डाइवर्सिटीज आर जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, दिस टू आर मेजर डाइवर्सिटीज इन इंडिया। नाउ we have despite of this diversities there is a unity among the people। ye sari vividhta aapko dikhne mil rahi hai, ye sab hai, fir bhi hum log ek hai, kaise? They are one, they stood against the British and threw the mighty empire by adopting ahimsa and peaceful means। matlab British ruler ke samne un logo ne ek bahut hi taakatwar ahimsa aur shanti ka sandesh bheja aur ladai jeeti, india ko आजादी दिलवाई। All the people belonging to various religions are one when the country is interested are involved। मतलब जब पारी हुई एक होने की तब वो भले ही अलग अलग धर्म के थे, अलग अलग प्रदेश के थे, फिर भी वो लोग एक हो गए। In natural disasters they all heartily contribute for maintaining and suffering of the people। मतलब जब natural disaster आते हैं, that time they also became one। वो एक हो जाते हैं। Disaster मतलब आपत्ति आती है ना, जैसे कि flood आता है,
है ना, या फिर तो सुनामी हो जाती है, तो दिस काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर में भी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नाउ अंडरलाइन द लाइन इन पोम संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मस्कारी व्हिच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट इंडिया एसेंशियल यूनिटी। मतलब यहाँ पे लिखा है देखो ये जो लाइन है, द ब्लड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम फ्लोज टूगेदर टूडे। मतलब हिंदू मुस्लिम का जो लोही है ना, खून है, वो एक साथ बह रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता, है ना, हम लोगों के अंदर क्या है? एकता। सो दिस पोम इज संग बाय आफ्टर जलियांवाला मसकर, ओके, एंड इन दिस लाइन यू कैन सी द यूनिटी, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टूगेदर। नाउ एमसीक्यूज आर देयर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो। समीर डू थॉट, समीर ए डिड नॉट नो, which one, which answer is correct? B, B is Hindi. Samir do thought that Samir A did not know Hindi, क्योंकि Samir do is newspaper selling boy, है ना? Samir do कौन था जो newspaper sell करता था, and Samir A कौन था जो cycle पे आता था और जो पढ़ा लिखा था। तो समीर दो को ऐसा लगता था कि है ना, ये जो है ना वो बहुत पढ़ा लिखा लग रहा है, इसको तो हिंदी समझ में नहीं आती होगी। तो समीर दो थॉट दैट समीर एक डिड नॉट नो हिंदी, बट फैक्ट इज समीर एक इज नो हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ लैंग्वेजेस, है ना। नाउ सेकंड वन, समीर दो डस फैमिली लिव्ड इन दिल्ली। समीर दो की फैमिली कहाँ पे रहती थी? दिल्ली, मेरठ, बिहार एंड जयपुर, मेरठ, है ना। समीर दोस फैमिली, समीर दो की फैमिली मेरठ में रहती थी। वन, विच ऑफ दिस नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अनइक्वालिटी। विच ऑफ दिस नॉट एन एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल नहीं है ऑफ अनइक्वालिटी। कास्टिंग द वोट फॉर इलेक्टिंग गवर्नमेंट, बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, स्पीकिंग वन लैंग्वेज और नॉट अनदर, एंड अर्निंग मनी। सो इसमें से कौन इक्वालिटी नहीं है? सो थर्ड वन का आंसर रहेगा ए, कास्टिंग द वोट फॉर इलेक्टिंग अ गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट को इलेक्ट करने की बारी आती है ना, तो ऐसा नहीं करते कि हिंदू अलग लाइन में खड़े रह जाओ और मेक द अनदर लाइन फॉर हिंदू एंड मुस्लिम, है ना, तो ऐसा नहीं होता है। वोट करने के लिए ऑल आर इक्वल। सो दिस पॉइंट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ अनइक्वालिटी। इसमें अनइक्वालिटी नहीं होती, सब लोग इक्वल होते हैं। फोर्थ वन, विच ऑफ दिस इज नॉट अ रीजन फॉर डाइवर्सिटी। यहाँ पे अलग कुछ डाइवर्सिटी होगा, हाँ यहाँ पे डाइवर्सिटी, हिस्ट्री ऑफ रीजन्स, हैबिटेट ऑफ अ पर्सन, विच वन इज करेक्ट? सो यू कैन सी हियर, ऑप्शंस आर नॉट देयर प्रॉपरली। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फाइव, लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द स्टेट ऑफ सी, जम्मू एंड कश्मीर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स आर देयर। A caste system is form of inequality. Caste system जो है वो किसका form है? Inequality का। मतलब जो caste system हमने पहले से ही काव करके रखी है, craft करके रखी है, एक potter का बच्चा potter ही बनेगा, तो this way, है ना? Some problems is happened. So it's an inequality. Caste system is inequality form. Inequality comes when person does not have access to dash and dash. So resources and opportunity. ये हमने देखा था, ये मैंने आपको टिक मार्क भी करवाया है। Inequality comes when a person, inequality आती कब है? When a person does not access to resource or opportunity. जब वो opportunity को या फिर resources को जब पा नहीं सकता है, achieve नहीं कर पाता है, तब inequality की बात आती है। थर्ड वन, अ कंट्रीज कस्टम कस्टम रिलीजन्स आर्ट एंड हिस्ट्री कंस्टिट्यूट इट्स कल्चर, है ना।
तो कंट्री के लोग अलग अलग कस्टम में होते हैं, रिलीजन के होते हैं, आर्ट अलग होता है, हिस्ट्री अलग होती है, तो वो क्या बनाता है, एक कल्चर बनाता है, एक समाज बनाता है। फोर्थ वन, पीपल ट्रैवल इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स एंड पीपल। लोग क्यों सर्च कर ट्रैवल कर रहे थे, तो सर्च ऑफ न्यू लैंड एंड पीपल, है ना। न्यू लैंड मतलब रहने के लिए या फिर खेती करने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए न्यू लैंड की खोज में लोग ट्रैवल करते रहते थे इधर से उधर। व्हेन पीपल ट्रैवल टू वन प्लेस टू अनदर, ट्रैवल टू अदर प्लेस, डैश ऑफ कल्चर टेक प्लेस। तो वो क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो क्या लेके जाते थे, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, है ना। इंटरमिक्सिंग कल्चर क्यों आता है, क्योंकि अगर देखो आप यहाँ पाटन में रहते हो, है ना, तो पाटन का कल्चर जो है, यहाँ की जो बोली है, अगर आप रहने चले जाओ अगर आप सौराष्ट्र में रहने चले जाओ राजकोट साइड, तो आप वहां की लैंग्वेज भी सीखोगे और आपकी लैंग्वेज भी सीखोगे, तो दोनों की लैंग्वेज कैसी हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग। तो कल्चर भी कैसा हो जाएगा, इंटरमिक्सिंग, है ना। तो हम जब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं तो हमारा जो कल्चर होता है वो कैसा हो जाता है, इंटरमिक्सिंग हो जाता है। Now these are the extra questions, okay? Only question answer is given in your exercise, in your textbook. These are extra question which can be asked in exam also. Now sixth one, habitat is associated with dash one lives in. Habitat मतलब रहने की जगह, is associated with the dash geographical area. Habitat जो है वो किससे associated है, geographical area से associated है. Both Kerala and Ladakh were influenced by dash and dance. So influenced by Chinese and Arab. यहाँ Kerala की जो खाने का बर्तन होते हैं उसे क्या कहते थे, चीना पट्टी। That means we learned that many years ago some Chinese were come there. वहाँ पे कुछ Chinese आए होंगे, इसके लिए तो चीना पट्टी वगैरह नाम है, है ना, बर्तन का नाम है ना, utensils का नाम है चीना पट्टी। So this is why Kerala and Ladakh are influenced by Chinese and Arab people. British general opened fire on public meeting in Dash on April 13, 1999. Jallianwala Bagh massacre, है ना? तो British general जो था उसने open fire लगवा दी थी public के ऊपर, meeting में open fire करवा दी थी 1999 में April 13 को, उसे कहते हैं Jallianwala Bagh massacre. The discovery of India is book by Jawaharlal Nehru. Okay, now let's learn true and false of this lesson. All Indians share the national anthem? Yes, true. All Indians have the same national language? National language? Yes, national language is true. But regional languages are different. अगर आप पाटन में रहते हो, मेहसाणा में रहते हो, तो उसकी regional languages अलग है, but National language is same. Our national language is Hindi. Okay. So our national language is same. This sentence is true. All Indians speak the same language? False. All Indians are not speaking the same language. We are speaking the different languages. Pandit Nehru was the first president of India? False. This sentence is false. Pandit Nehru was not first president of India. The caste system is an example of diversity? False. It is not example of diversity. It is the example of inequality, not diversity. Diversity का मतलब तो विविधता होता है ना, caste system is an example of inequality. Sixth one, Kerala and Ladakh are in different parts of India? Yes, Kerala is in south and Ladakh is in north area, in Jammu and Kashmir. So both are in different parts of India. So this sentence is true. Last one, the geography of Ladakh allows the cultivation of spices.